है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं सियालदा में आर्ट कॉर्नर आर्ट मटेरियल्स के शॉप में गया था और वहाँ से मैंने कुछ आर्ट मटेरियल्स की शॉपिंग की, तो आज के वीडियो में मैं आपको वही दिखाऊंगा। और अगर आपने अभी तक आर्ट कॉर्नर वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, मैं आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही नए नए वीडियोज़ पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने वहाँ से लिया है ब्रास्टो का वाटर कलर पेपर, ये 300 GSM का पेपर है और 25% कॉटन पेपर है। ये वाटर कलर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। मैं आपको पेपर को खोल के दिखाऊंगा अभी। तो आप देख सकते हैं पेपर के ऊपर के टेक्सचर्स को, और ये पेपर वाटर कलर के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसका प्राइस लिखा है 198 रुपीज़, लेकिन मुझे ये 160 रुपीज़ का पड़ा है। और मैंने लिया है कैंसन का 270 GSM का ये पेपर। ये भी वाटर कलर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और इसमें भी अच्छे टेक्सचर्स हैं। तो ये पेपर मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया, मैं पहली बार यूज़ करूँगा इस पेपर को। इसके बाद मैंने लिया है वॉप कार्टिज पेपर, जो मैं अक्सर प्रैक्टिस के लिए यूज़ करता रहता हूँ, और मैंने ये 10 पीस लिए हैं 12 रुपीज़ करके ईच। और मैंने लिया है पाइनियर का 72 रुपीज़ वाला ये ड्राइंग बुक, इसमें मैं स्केचिंग और ह्यूमन फिगर की प्रैक्टिस के लिए मैंने लिया है इसको। और मैंने कैमलिन के कुछ वाटर कलर्स भी लिए थे जो मेरे ख़त्म हो गए थे। मैंने लिया सिपिया, क्रिम्सन लेक, वायलेट और वर्मिलियन ह्यू। तो ये मेरे ख़त्म हो गए थे इसलिए मैंने ये लूज़ खरीद लिया। और मैंने लिया है आर्टलाइन के ग्राफाइट पेंसिल का एक सेट, इसका प्राइस यह लिखा है 70 रुपीज़, लेकिन ये मुझे 55 रुपीज़ की पड़ी है। इसमें 6 पेंसिल्स है। और HB से 10B तक पेंसिल्स है इसमें, और ये बहुत ही अच्छी पेंसिल्स है। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खरीदा, बस इतना ही खरीदा है, और मैं बेसिकली पेपर शॉपिंग करने के लिए गया था। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को एक लाइक कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही नए नए वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक यू वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।